तो दोस्तों अगला फाइलम है हमारे पास टीनोफोरा। टीनोफोरा दोस्तों बहुत ही छोटा सा फाइलम है और इसको हम एक मिनी फाइलम भी कहते हैं। इसके जो दोस्तों आपकी मेंबर्स है उनको हम कहते हैं कॉम्बजेलिस या फिर सी वॉलनट्स, क्योंकि ये दोस्तों देखने में कुछ वॉलनट जैसे ही लगते हैं, आप ऊपर के डायग्राम में देख भी सकते हैं। अब दोस्तों इनमें कुछ कुछ मेन बातें आपको ध्यान में रखनी है कि इनमें दोस्तों आपका सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसका मतलब दोस्तों इनमें एसेक्सुअल मीन्स आपका नहीं पाया जाता है। एक्सक्लूसिवली दोस्तों ये मरीन होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये फ्रेश वाटर में आपके नहीं मिलेंगे। एक्सक्लूसिवली मरीन का दोस्तों आपको एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं, सेफालोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, टीनोफोरा, ये दो, और इकाइनोडर्मेटा। ये जो दोस्तों आपके फाइलम है ये आपके एक्सक्लूसिवली मैरिड में आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रेडियल सिमेट्री दोस्तों इनमें पाई जाती है कि जो इनमें जो आपके जो मेंबर्स होते हैं उनको आप कहीं से भी काट सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, मैंने प्लूरोब्राकिया यहाँ पर बनाया है, किसी भी एंगल पर मैं इसको काट सकता हूँ, किसी भी प्लेन में टू आइडेंटिकल हाफ्स में। इसके बाद डिप्लोब्लास्टिक होते हैं दोस्तों। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, इनके पास दोस्तों दो लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और दोस्तों जो बीच की आपकी जो लेयर है वो आपकी मीजोग्लिया होती है। मतलब क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है अपने फंक्शंस के लिए। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, यहाँ पर मेसोडर्म आ जाता है जो कि डिफरेंशिएटेड होता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं नीचे के लिंक से। टिशू लेवल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इनमें पाया जाता है कि इनको जो सेल्स है वो मिलके काम करते हैं टिशू बनाकर, इनमें टिशू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका दोस्तों ये है कि इनमें 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम्प्लेक्स पाई जाती है सिलिएटेड, जो कि दोस्तों ऐसे कुछ ऐसी दिखती है, ऐसी इनकी 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं, और ये दोस्तों लोकोमोशन यानी कि चलने फिरने में मदद करती है। इसके बाद बायोल्यूमिनेसेंस दोस्तों इनमें पाया जाता है, और बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब दोस्तों क्या है कि प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट, यानी ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लाइट एमिट कर सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो लाइट एमिट कर रहा है। और दोस्तों ये बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसको आप मोनोइसियस भी कहते हैं। ये दोस्तों ये प्लांट के लिए ज्यादा यूज होता है, लेकिन आपको एनिमल्स में भी ध्यान रखना है कि इनको मोनोइसियस, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट भी दोस्तों हम कहते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इनकी और प्रॉपर्टीज, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों कुछ और प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं जो कि है दोस्तों डाइजेशन। डाइजेशन दोस्तों इनमें बहुत एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों हमने देखा था कि पॉलीफेरा में क्या है, वो इंट्रासेलुलर है। निडेरिया में भी बहुत एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर है, इनमें भी बहुत एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर है। फर्टिलाइजेशन दोस्तों इनमें एक्सटर्नल होता है, और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि लार्वल स्टेज जो है इनमें दोस्तों पाई जाती है, और सीडीपिट लार्वा इनका होता है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। प्लूरोब्राकिया और टीनोप्लाना, ये जो दोस्तों आपकी जो दो एग्जांपल्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं, आप यहाँ पर उन दोनों को देख भी सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले आप निडेरिया, पॉलीफेरा और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की वीडियो नीचे की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसके बाद हम लाएंगे वीडियो प्लैटी हेलमेंथिस के ऊपर। तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कम्युनिटी पोस्ट में आने मत भूलिएगा, वहाँ पर हम आपके लिए डेली कम्युनिटी पोस्ट में MCQs अपलोड करते हैं बायोलॉजी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।